गाइस टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज किस बाइक का रिव्यू करने वाला है, तो दिस इज़ पल्सर N160 और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो बहुत सारे गेम्स आए थे मुझे इस बाइक के रिव्यू के रिगार्डिंग, तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक का डिटेल्ड रिव्यू। सो दिस इज़ द पल्सर 160 एंड द कलर इज ब्रुकलिन ब्लैक और ये सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ऑयल कूल्ड FI इंजन। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, जैसा कि F250 में हुआ था कि दिस इज़ ऑयल कूल्ड ना कि लिक्विड कूल्ड। सो ये एक डिमेरिट रह गया इस एन सीरीज़ में। और इसका जो पावर है दिस इज़ 14.65 NM एट 16,750 RPM और 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है। एंड इसके फ्रंट जो टायर्स है वो ट्यूबलेस टायर्स, दैट इज़ 1/80 और इसके रियर के जो टायर्स है वो है 130/70। तो फ्रंट में आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ डुअल चैनल ABS के साथ और रियर में आपको मिलता है मोनोशॉक विथ नाइट्रोक्स सस्पेंशन। सो अभी आप देख सकते हो इनका जो हाइट है दैट इज़ 5'8" और इसका जो सीट हाइट है वो है 795 mm का। तो अगर आपका हाइट 5'4" या 5'5" भी है देन यू कैन ईजिली सीट ऑन दिस एंड राइड इट। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ 14 लीटर्स। इसका जो कंसोल है ये अभी तक का पल्सर का सबसे यूनिक कंसोल है एन सीरीज़ में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैटरी इंडिकेटर और ये तो आप जानते हो ये पुराना है, ये डिजिटल अभी तक हो नहीं पाया। और यहाँ पे आपको ABS का इंडिकेटर मिल जाता है, प्लस यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है 160 सीरीज़ में। और यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है, समझ रहे हो, 160 सीरीज़ में आपको USB पोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ पे आपको जो माइलेज मिलता है जो कंपनी बोलती है दैट इज़ 55 km/h, बहुत ज़्यादा है 160 मतलब CC में 55 का माइलेज, अगर 50 नहीं देता है फिर भी 50 का अगर मिल रहा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसका तो आपका एग्जॉस्ट का अभी तक आपको साउंड मैंने सुनाया नहीं है, तो एग्जॉस्ट का साउंड आप सुन के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला हो। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 165 mm का, तो काफ़ी सही है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे अभी तक लगी कि इसके जो टायर्स है ये बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो कि वाइड है 160 cc के हिसाब से, दूसरे कैटेगरी में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको बाइफेंसल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ LED डायल्स मिल जाता है, तो कि काफ़ी खतरनाक वाला लुक आ रहा है। लाइक अगर मैं देखूँ तो MT15 के कंपेरिजन अगर मैं करूँ तो लगभग वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, तो जैसे ही आप बाइक ऑन करते हो गियर पे और आप अगर स्टैंड लगाते हो तो इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है पावर। तो ये बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पल्सर N160 और इसका जो ऑनरोड प्राइस है वो डिफर करेगा सिटी टू सिटी। तो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है राउरकेला से, दिस इज उड़ीसा से, और इसका जो ऑनरोड प्राइस है वो है 1,42,000। और ये अगर आपको फुल क्लास में नहीं, अगर आपको EMI में भी लेना है तो आप EMI में भी ले सकते हैं। और इसका मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहेगा वो 35-40K रहेगा, ये भी डिफर करेगा सिटी टू सिटी। तो अगर आपको दूसरे लोकेशंस के बारे में जानना है ऑन रोड प्राइस एंड मिनिमम डाउन पेमेंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो शोरूम है दिस इज़ RM बजाज राउरकेला, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लोकेशन का, और यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉल एंड हैव द कन्वर्सेशन अबाउट दिस बाइक इफ यू वांट टू परचेस। अगर आपको नहीं परचेस कर रहा है देन आप उनको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा देर में दिखा दूंगा कि लोकेशन कहाँ पड़ता है RM बजाज। तो दिस इज़ द बजाज शोरूम RM बजाज और ये लोकेशन जो है दिस इज़ इन सिविल टाउनशिप। सो यू कैन विजिट दिस शोरूम एंड हैव सम लुक ऑफ द वेरियस पल्सर्स N160। दिस इज ऑल अबाउट। और ये जो कलर आप देख रहे हो ना ये बहुत ही मतलब जैसे कि आपको बताऊँगा ब्लैक सबका फेवरेट कलर है, तो ये एक मेट प्लस शाइनिंग कलर शाइनिंग फिनिश पे भी आता है।
बहुत ज़्यादा यूनिक फील कराता है, और जब आप इसको रात में चलाओगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा ही शाइन करने वाला है ये। तो मेरे ख्याल से ये अभी तक का सबसे बेस्ट पल्सर है 160 सेगमेंट में, और मुझे लगता नहीं है कि अब 150 सीसी के जो पहले की मॉडल्स है वो अब सेल आउट होंगी, क्योंकि अब ये आ गया। तो आई पर्सनली रिकमेंड दैट यू शुड परचेज दिस इफ यू वांट टू परचेज 160 सेगमेंट बाइक। तो कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर बाइक रिव्यूज़। गुड बाय।